अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। बिलासुबह मस्जिदें अल्लाह ही के लिए हैं, बस तुम उनमें अल्लाह के सिवा किसी और को मत पुकारो। अजीज सामियात, कल 5 अगस्त का दिन है और इस दिन राम मंदिर की तकरीब तंगे बुनियाद का अहतमाम किया जा रहा है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। ऐसे में हम मुसलमान आने हैं इंतहाई गमजदा और गमगीन हैं, इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद और नुसरत तलब कर सकें। हम ना उन्हें इसको नाबूद कर दे, इसलिए कि ये सबसे बड़ा जुल्म है। बाबरी मस्जिद को हुकूमत, अदलिया, कानून, इंतजामिया की निगरानी में जमहूरियत के साए तले शहीद कर दिया गया था। हम मुसलमानों ने हिंद की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद जारी रखें। इसी बात के अज़्म के इजहार के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि हमारी जिद्दोजहद बाजियाबी बाबरी मस्जिद के लिए उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक के बाबरी मस्जिद उसके असल मुकाम पर दोबारा तामीर नहीं हो जाती। अगर ये काम हमसे नहीं हो सका तो हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को ये फरीजा सौंप कर जाएंगे ताकि वो बाबरी मस्जिद को उसके असल मकाम पे न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अजीज सामियात, आज हम मुसलमानों ने हिंद के अंदर इंतहाई खौफ बच गया है। हम मायूस हो गए हैं, लेकिन ये वक्त मायूस होने का नहीं है। ये वक्त अपने अज़्म और इरादे को मजीद मजबूत करने का वक्त है। ये वक्त तजदीदे अहद का वक्त है कि हम बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक के बाबरी मस्जिद उसकी अपनी असल जगह पर तामीर नहीं हो जाती। ये इस बात के अहद का वक्त है